today we will start our new chapter of chemistry in class 9th. Is matter around us pure? इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा था कि हमारे आसपास के जो मैटर थे उनके बारे में हमने स्टडी किया था. सॉलिड स्टेट पढ़ा था, गैसी स्टेट पढ़ा था, लिक्विड स्टेट पढ़ा था. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि हमारे आसपास किस टाइप के मैटर हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर हैं वो कौन से प्योर मैटर हैं और कौन से इम्प्योर मैटर हैं. हमारे आसपास जितने मैटर दिख रहे हैं क्या सारे प्योर हैं कि सारे इम्प्योर हैं, कितने इम्प्योर हैं, कितने प्योर हैं, अगर वो इम्प्योर हैं तो उनको हम अलग कैसे करेंगे. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. ओके, बात समझ आई? तो इस चैप्टर में हम देखते हैं पहले मैटर का क्लासिफिकेशन. आइए क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. यहीं से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब प्रश्न ये उठा कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी. अरे भाई, अगर हम मैटर क्लासिफाइड नहीं करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा प्योर मैटर है और कौन सा इम्प्योर मैटर है. इसके लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हमने ये तो पढ़ा था कि हमारे आसपास जो मैटर हैं वो किस टाइप के मैटर हैं उसके बारे में हमने स्टडी की थी. इस चैप्टर में को ये पढ़ना है कि जो हमारे आसपास मैटर हैं क्या वो प्योर हैं, अगर प्योर नहीं है तो कितने इम्प्योर हैं, और अगर इम्प्योर हैं तो उनको प्योरीफाइड कैसे किया जाएगा, कैसे उसको अलग करेंगे. तो इसलिए हमको ये क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा. इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से प्योर सब्सटेंस हैं और कौन कौन से इम्प्योर सब्सटेंस हैं. अगर इम्प्योर है तो उसमें से हम प्योर सब्सटेंस को अलग करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर इज क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स. One is called pure substance and second is called impure substance. Okay? Pure substance is divided into two groups. One is called एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड्स. ठीक, एलिमेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज कॉल्ड मेटलॉइड्स. ओके, तो पूरे मैटर को क्लासिफाइड किया गया टू पार्ट्स में, प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज कॉल्ड मेटलॉइड्स. ओके, कंपाउंड इज ऑल्सो डिवाइडेड टू पार्ट्स. कंपाउंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड and second is called inorganic compound.
कंपाउंड्स, ओके। इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर विच इज डिवाइड टू पार्ट्स, विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो मैटर आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी कई टाइप्स के हैं, उसमें कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है और कुछ क्या आपके मेटलॉइड हैं, अभी उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स आर ऑल्सो टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, जिसमें दूसरी चीज़ें मिक्स हो वो इम्प्योर हो जाएगा, अगर कुछ ना मिक्स हो तो प्योर है। दूसरा सब्सटेंस भी अगर मिक्स हो जाए तो इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सब्सटेंस भी मिक्स है इसलिए इसको मिक्सचर कहा गया, मिक्स से बना मिक्सचर। मिक्सचर जो था यानी जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या है, आज इसको डिटेल्स में पढ़ा जाए प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मीन्स जैसा हमने कहा कि प्योर क्या है, प्योर वो सब्सटेंस है जिसमें कुछ मिक्स ना हो। सिंगल सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब कि सिंगल सब्सटेंस, उसको जो है किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा आप सेपरेट ना कर पाएं, अलग ना कर पाएं, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस which cannot be separated further in by any physical method is called pure substance. Pure substance means a single substance which cannot be separated into other kinds of matter, Pure substance means a single substance which cannot be separated into other kind of matter. Pure substance वो substance है जो single substance से मिलकर बना होता है और उसको जो है आप सेपरेट नहीं कर सकते, किसी फिजिकल मेथड के द्वारा जो है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। हम बात करते हैं एलिमेंट्स पे, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स थे इसके। फर्स्ट एलिमेंट,
एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है। एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेगा वो सब्सटेंस कहलाएगा प्योर सब्सटेंस, और यू कैन से एलिमेंट। मेरी बात समझे? हमने भी आपसे पहले भी कहा था प्योर सब्सटेंस का मतलब सिंगल सब्सटेंस। तो अगर कोई ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, तो ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कहेंगे एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए, बहुत सारे एलिमेंट है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये जितने एलिमेंट हैं ये सब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं। अगर आप कॉपर का एलिमेंट देखेंगे तो कॉपर के एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सब कॉपर के होंगे, गोल्ड के एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सारे गोल्ड के एटम होंगे, सिल्वर जो एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम होंगे वो किसके होंगे? सिल्वर के होंगे। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है आपका एलिमेंट। द प्योर सब्सटेंस विचार मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। तो ऐसा कोई प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेगा वो कहलाएगा आपका एलिमेंट। ओके, नाउ अब एलिमेंट को हमने देखा था, एलिमेंट भी कई कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, एक था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल, और तीसरा था आपका मेटलॉइड। तो बात करते हैं हम मेटल्स पर। पहले एलिमेंट की बात करते हैं, मेटल्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे एलिमेंट हैं। तो हम पहले बात करेंगे आपके मेटल्स पर। मेटल क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिलीज करके कैटायन बनाता है, वो एलिमेंट कहलाता है मेटल्स। दो एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकाल दे, तो उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं मेटल्स। दो एलिमेंट्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, लॉस कर दे, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं मेटल्स। बात समझ आ रही? अब हम बात करते हैं इस मेटल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो एलिमेंट है जिसको हम मेटल कह रहे हैं, इस मेटल एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण हैं, उनके बारे में कुछ जानना है। चलिए हिंडालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक, आइए देखते हैं इस मेटल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहला, फर्स्ट, मेटल्स आर हार्ड। पहला, मेटल जो है जनरली काफी हार्ड होते हैं। आप किसी मेटल को देखिए, कॉपर को देखिए, सिल्वर को देखिए,
आप आयरन को देखिए, ये सारे मेटल क्या हैं? सारे हार्ड हैं। अगर मेटल सारे हार्ड हैं, मेटल अगर सारे मेटल हार्ड हैं, सारे मेटल हार्ड हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि सॉफ्ट नेचर के हैं, जैसे कि आपका सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे ऐसे मेटल हैं जो बहुत सॉफ्ट हैं। ये मेटल के एक्सेप्शन में हैं। एक्सेप्शन का मतलब कि ये मेटल की इस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनरली मेटल हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे सॉफ्ट मेटल हैं। अगर आप चाकू से, नाइफ से कट करेंगे तो आपका ये मेटल कट जाएगा, इतना सॉफ्ट है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सोडियम, दिस इज द सिंबल ऑफ Na, एंड पोटेशियम, सिंबल क्या होगा इसका? K, K इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, Na, इट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, आर सॉफ्ट मेटल। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मेटल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे जो मेटल हैं ये बहुत सॉफ्ट है। बात समझ आ रही है? इनको आप चाकू से, नाइफ से अगर कट करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। बात समझ आ रही? सेकेंड कैरेक्टर, सेकेंड मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक, मेटल जो है वो मैलिएबल और डक्टाइल है। मैलिएबल का मतलब कि अगर किसी मेटल को आप पीट करके, हैमर से पीट करके अगर उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं, पतली शीट बनाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती है इसकी मैलिबिलिटी। और अगर किसी मेटल को खींच करके आप वायर में, तार में या वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कहलाता है उसका डक्टाइल नेचर। तो आप देख रहे हैं कि मेटल की बहुत सारी शीट बनाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल मैलिएबल नेचर भी है। और मेटल को खींच करके आप तार में भी कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे तार बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के अंदर कौन सा नेचर है? डक्टाइल नेचर है। यानी मेटल जो है वो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। अब मैलिबिलिटी को आप देख सकते हैं, देखिए एल्यूमिनियम की फॉयल आती है जिसमें लोग रोटी वगैरह जो है, पराठे वगैरह जो है, उसको फोल्ड करके उसमें रख लेते हैं। वो फॉयल किसकी है? एल्यूमिनियम की है। तो सोचिए वो कितनी पतली शीट बनाएगी, एल्यूमिनियम की फॉयल है। अब देखिए रोटी कहीं आप सफर वगैरह में जाते हैं लोग जर्नी में, तो जर्नी में जाते समय जो अपने फूड है, फूड को जो है उस एल्यूमिनियम का जो रैपर है उसमें पैक कर लेते हैं और पैक करके वो चले जाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम का जो रैपर है वो किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम से। और एल्यूमिनियम है क्या? मेटल है। तो आप देखिए कि एल्यूमिनियम की जो, एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसकी कितनी पतली शीट बनाई गई है। इतनी पतली शीट बनाई गई है कि उसमें आप फूड को रख के उसको फोल्ड कर दे रहे हैं। सिल्वर को देखिए, आप मिठाई खाते होंगे, स्वीट्स, उसमें आप देखिए जो बर्फी आती है, बर्फी पर आप देखेंगे कि जो सिल्वर कलर का वर्क लगा हुआ है। तो जो सिल्वर कलर का वर्क लगा हुआ है वो सिल्वर कलर का वर्क नहीं, वो सिल्वर ही है, सिल्वर ही है। तो सोचिए कितनी महीन शीट आपने बना दी और उसके वर्क को आपने जो है मिठाई पे लगा दिया। बात समझ आ रही? तो ये जो मेटल है उसको पीट करके जो शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही कहलाता है उसका मैलिएबल नेचर। एल्यूमिनियम की फॉयल तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, 50-60 रुपए की आती है फॉयल, पूरी रोल फॉयल होती है। दूसरा डक्टाइल नेचर, मेटल को खींच करके आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कॉपर की बहुत सारी वायर बिजली में इस्तेमाल होती है, एल्यूमिनियम की जो वायर है उसका बिजली में इस्तेमाल होता है। तो सोचिए इतनी लंबी लंबी वायर को आपने खींच करके, एक मेटल खींच करके कितना लंबा वायर बना दिया। लोहे की वायर आप इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर इस्तेमाल करते हैं, आप कॉपर की वायर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह से मेटल को खींच करके अगर आप वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये कहलाता है उसका डक्टाइल नेचर। बात समझ आ रही? तो मेटल जो है मैलिएबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है। और सबसे ज्यादा मैलिएबल और जो डक्टाइल नेचर है वो शो करता है गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड को खींच करके आप 2 किलोमीटर का वायर तैयार कर सकते हैं।
तो सोचिए कितनी जबरदस्त मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है आपके गोल्ड की। तो सबसे ज्यादा जो मैलेबल और डक्टाइल नेचर जो मेटल शो करता है वो कौन है? आपका गोल्ड नोट। गोल्ड सिंबल इसका Au इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। ठीक, ये तो गोल्ड था जिसकी मैलेबिलिटी, जिसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि मैलेबल और डक्टाइल नेचर को शो नहीं करता, यानी जिंक इज नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल। नोट, देखिए आप, जिंक Zn, जिंक इज नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल। तो सारे मेटल जो है मैलेबल डक्टाइल नेचर को शो करते हैं, और जो सबसे ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल नेचर को शो करता है वो कौन है? गोल्ड है। और एक मेटल ऐसा भी है जो न तो मैलेबल नेचर को शो करता है न तो डक्टाइल नेचर को शो करता है, वो कौन सा मेटल है? जिंक। जिंक इज नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल। मेरी बात समझ आ रही? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारा वुड है, जो लकड़ी है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर हमारा वुड या लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके पीछे रीजन ये है कि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि कंडक्टर क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो करेगा तभी कंडक्शन होगा। और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। आप क्लास 8 में इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जब चार्ज फ्लो करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो चार्ज को फ्लो करा, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज को ले जाने वाला भी तो चाहिए, कंडक्शन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन चार्ज फ्लो कैसे करेगा? चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाएगा? तो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले कौन होते हैं मेटल के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके अंदर चार्ज कैरियर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, ये चार्ज को कैरी कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। तो जिसके अंदर चार्ज कैरियर होगा, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉलिड में, वही जो है अच्छा कंडक्टर होगा। और जिसके पास, जिस सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, चार्ज कैरियर नहीं होंगे, वो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। यही कारण है कि आपका जो वुड है वो बैड कंडक्टर है और जितने मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं। क्यों? इसलिए कि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चूंकि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि मेटल के पास बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं जो निगेटिव चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, और निगेटिव चार्ज को ले कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन
फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मेटल क्या है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जिस भी सॉलिड सबस्टेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा, और जिस सॉलिड सबस्टेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम पानी के अंदर देखें, ये वाटर है, अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, फ्लो कराना है, तो इसके अंदर भी चार्ज कैरियर होना चाहिए। जहां चार्ज कैरियर होगा वहां कंडक्शन होगा। जो सॉलिड सब्सटेंस था उसमें जो चार्ज कैरियर था वो इलेक्ट्रॉन्स था, और जो लिक्विड है इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयन होते हैं। जैसे देखिए ये आपका एनए, थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। ये देखिए इनका, इसको इनलार्ज कर देते हैं। अगर हम यहां देखें ये लिक्विड है, इसके अंदर भी चार्ज कैरियर होगा। कौन से चार्ज कैरियर हैं? ये आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एनए प्लस चार्ज सीएल माइनस चार्ज, एनए प्लस चार्ज सीएल माइनस। अगर लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो सिर्फ रीजन ये है कि इसके अंदर भी चार्ज कैरियर है। तो यहां पर जो चार्ज कैरियर हैं, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर क्या है आपके आयंस है। तो अगर किसी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसके पीछे रीजन ये है कि उसके अंदर फ्री आयंस है, और जिस लिक्विड के अंदर फ्री आयंस नहीं होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर आयंस नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर चार्ज को ले जाने वाला ही नहीं है। जब चार्ज को ले जाने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ही नहीं तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा? बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉलिड और लिक्विड में तभी फ्लो करती है जब उसमें चार्ज कैरियर हो। सॉलिड में चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जितने मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी चार्ज कैरियर है। कौन है चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उसी प्रकार जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होगा जब इसके अंदर भी चार्ज कैरियर होंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज को ले जाने वाले कौन होते हैं? ये आयंस, ये पॉजिटिव निगेटिव आयंस, ये चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो चूंकि यहां भी चार्ज कैरियर है इसका मतलब यहां भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। वास्तव में तो जिस सॉलिड सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। जिस एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस नहीं होंगे उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर आयन और इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर चार्ज कैरियर है ही नहीं, चार्ज को ले जाने वाला है ही नहीं। जब नहीं रहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। तो जितने मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो है चार्ज कैरियर है। कौन चार्ज कैरियर हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेटल, किसी ने पूछा आपसे कि मेटल अच्छा कंडक्टर है, वुड जो है बैड कंडक्टर है, या कोई सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है कोई सब्सटेंस बैड कंडक्टर है, ऐसा क्यों है? तो सीधा सा आंसर है कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जिस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो अच्छा कंडक्टर भी नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब इसमें जो है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर ये एजी इज अ गुड इज द बेस्ट कंडक्टर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक, सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है, लेकिन टंगस्टन जो आपने बल्ब देखा, जो पीले वाला बल्ब जलता था पहले, अब तो वो समय खत्म हो गया, लोग एडवांस हो गए, एडवांस होते ही जा रहे हैं। आज देखिए इतने एडवांस हुए कि फिर घर में पैक हो गए, ये इनकी एडवांसनेस है, क्या समय आ गया है। खैर जान दो इस चीज़ को। तो यहाँ देखिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन जो आपका बल्ब है, जो पहले लोग पीले रंग का बल्ब इस्तेमाल करते थे, तो उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ था जो जलता था, जिससे रोशनी होती थी। तो वो जो फिलामेंट था वो टंगस्टन का बना हुआ था। टंगस्टन जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ। यहाँ देखिए
हम बात करें टंगस्टन की, सिल्वर जो था, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो फार एज टंगस्टन इज कंसर्न, टंगस्टन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रही? नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मेटल जो है वो लस्टरस होता है, मेटल में एक शाइनिंग होती है। शाइनिंग क्यों होती है? कोई भी मेटल क्यों शाइन कर रहा है? शाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके मेटल की जो लस्टर प्रॉपर्टीज है, जो शाइनिंग प्रॉपर्टीज है, वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करती है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव करते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहीं एक स्थान पर तो स्थिर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज कैरियर हैं तो इधर उधर भागते रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब मेटल के अंदर मूव करते हैं, तो मूव करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है जब मेटल पर लाइट पड़ती है तो ये लाइट का रेडिएशन करते हैं, और जब लाइट का रेडिएशन करते हैं तो मेटल में लस्टर पैदा होता है, चमक पैदा होती है, शाइनिंग पैदा होती है। बात समझ आ रही? यहां देखिए मेटल्स जो है वो लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लस्टरस होते हैं। तो इनकी लस्टरस प्रॉपर्टीज के पीछे रीजन क्या है? रीजन है प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो मेटल में लस्टर भी नहीं होता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मेटल के अंदर मूव करते हैं, तो ये मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब मेटल के सरफेस पे लाइट पड़ती है तो लाइट का रेडिएशन करते हैं, और जब रेडिएशन करते हैं तो मेटल में लस्टर पैदा होता है। बात समझ आई? नाउ नेक्स्ट पॉइंट फाइव, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है। अगर सॉलिड फॉर्म है तो जो इनके एटम होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? कम होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो उस एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और अगर अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो जितने मेटल होंगे उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। बात समझ आ रही है? लिखिए थर्ड, ये देखिए सिक्स, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मेटल के एटम जो क्लोजली पैक्ड हैं, और क्लोजली अगर पैक्ड हैं तो ये सारे पास पास होंगे, डेंस होंगे, डेंस होंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आप जान रहे कि मेटल सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि आपके 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। मेटल जो है जनरली सॉलिड फॉर्म होता है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस पर, यानी नियर अबाउट रूम टेम्परेचर, जैसे कि आपका गैलियम है, मर्करी है, ये सारे ऐसे मेटल हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म होते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, लेकिन मरकरी नोट, मरकरी एंड गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म
एट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेटल जनरली जो है आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जैसे कि मरकरी है, आपका गैलियम है, ये सारे ऐसे मेटल हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ आई? तो फिर से हम लोग की प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, मेटल्स सॉलिड हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स में लस्टर होता है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल मैलिएबल और डक्टाइल होता है, मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेटल्स की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपके मेटल की। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल पे, आइए देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स नॉर्मल क्या होता है? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो एलिमेंट कहलाता है आपका नॉन मेटल, है ना। दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल कहलाता है। बात समझ आ रही? और इलेक्ट्रॉन को लूज करना गेन करना ये सब डिपेंड करता है साइज पे। तो हमसे याद रखिए, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था इसका मतलब ये हुआ कि मेटल की जो साइज है वो नॉन मेटल से बड़ी है। नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल का जो एटम होगा उसकी साइज हमेशा मेटल से क्या होगी? छोटी होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।